हेलो एवरीवन, मेरा मन कुमार अड्रक स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है यूपी सर्कल में जो पीए का एग्ज़ाम 24 अक्टूबर 2021 को हुआ था, आज उसके आंसर की को जानेंगे। और ये जो पीडीएफ है वो हिंदी में है, थोड़ा सा इसको समझने में प्रॉब्लम थी क्योंकि इसका इंग्लिश वर्जन मेरे पास नहीं था, तो कुछ क्वेश्चन इसमें रह जाएंगे लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न है, नगद विभाग के अधिकारी प्रभारी का पदनाम क्या है, यानी कि आई थिंक इसमें यह पूछा गया है कि ट्रेजरी के इंचार्ज कौन होते हैं, तो ट्रेजरी के इंचार्ज होते हैं ट्रेजरर। अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ट्रेजरी के इंचार्ज होते हैं ट्रेजरर। क्वेश्चन नंबर दो में पूछा गया है, पोस्ट मास्टर द्वारा आवेदन को अग्रसित करने पर पहचान पत्र कौन जारी करेगा, तो इसमें पूछा गया है कि आइडेंटिटी कार्ड कौन बनाता है। बेसिकली ये है कि आइडेंटिटी कार्ड कौन इशू करता है, तो आइडेंटिटी कार्ड इशू किए जाते हैं डिवीजन हेड के द्वारा, मंडल प्रमुख के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया है कि मेल प्रत्येक मेल क्लर्क को अपने कार्य के दौरान क्या देखना है, इसमें गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए में है या एक में है शील कोड, दो में लेवल, ऑप्शन नंबर तीन में है बैग की सामग्री जिससे वह बनाया गया है, और ऑप्शन चार में है कोई नहीं। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो आंसर है वो होना चाहिए कोई नहीं, ऐसा कोई भी कार्य प्रत्येक मेल क्लर्क के द्वारा नहीं देखा जाता, यानी कि अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर चार में पूछा गया है कि उप और शाखा डाकघरों के अपना खाता कार्यालयों के संबंध में गलत कथन का चुनाव करना है। बेसिकली ये है कि जो सब ऑफिस हैं और जो ब्रांच ऑफिसेज हैं वो अपने अकाउंट ऑफिस से किस तरीके से संबंध रखती हैं उसके संदर्भ में गलत स्टेटमेंट चूज करना है। ऑप्शन नंबर एक में है कि बीओ और एसओ के द्वारा जो अकाउंट्स बनाए गए हैं वो अकाउंट कार्यालयों के साथ में दैनिक आदान प्रदान किया जाता है। बेसिकली ये है कि अगर कोई मान लेते हैं हेड ऑफिस एक अकाउंट ऑफिस है और इससे लगी हुई कोई भी बीओ है और कोई एसओ है, तो एसओ का जो अकाउंट्स हैं वो डायरेक्ट एचओ के लिए जाते हैं, लेकिन जो बीओ एचओ से अटैच है उनके अकाउंट्स डायरेक्ट उनके लिए जाते हैं, लेकिन जो एसओ से अटैच होते हैं उनके डेली अकाउंट्स जो अकाउंट्स बैंक हैं वो पहले एसओ में आते हैं और देन फिर वो एचओ के लिए जाते हैं। इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। तो बीओ और एसओ के द्वारा अकाउंट्स बैंक का अकाउंट कार्यालयों के साथ दैनिक आदान प्रदान किया जाता है, बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू मी इसमें है कि अकाउंट कार्यालय के साथ बी और एसओ के बैग्स के आदान प्रदान का जो सारांश है वो एचओ सारांश के रूप में जाना जाता है, और एचओ समरी भी एक्चुअल में यही होती है। ऑप्शन नंबर सी में है कि प्रधान डाकघर में ही प्रधान डाकघर की कैश बुक रखी जाती है, तो प्रधान डाकघर की जो कैश बुक है एक्चुअल में ये जानी चाहिए ट्रेजरर के पास में। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो गलत ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीन, यानी कि स्टेटमेंट नंबर तीन, और स्टेटमेंट नंबर तीन का मतलब है ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाँच की बात करें, पाँच में पूछा गया कि कौन सा कार्यालय कैश ऑफिस नहीं हो सकता है, तो बेसिकली कैश ऑफिस एक सब ऑफिस को ही कहते हैं जो कि अपने कार्य के अलावा कैश का कार्य देखती है उसे कहते हैं कैश ऑफिस। एक्चुअल में जो कैश ऑफिस है वो सब पोस्ट ऑफिस हो सकती है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस हो सकती है, और शाखा डाकघर जो कैश ऑफिस है वो एक शाखा डाकघर नहीं हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर छः में पूछा गया है कि कौन काम के वितरण का ज्ञापन जारी करता है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क किसके द्वारा इशू किया जाता है, बेसिकली ये पूछा गया है, तो इसको इशू करते हैं अधीक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सात में पूछा गया है कि जब कोई रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो जाती है तो यह निर्धारित है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, तो जब कोई रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है तो उसकी जो वैन होती है उसकी जो सभी खिड़कियाँ हैं वो एक्चुअल में बंद रखनी होती हैं, यानी कि प्लेटफॉर्म किनारे वैन की खिड़की बंद होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आठ में पूछा गया कि मेल सार वास्तव में क्या है, तो मेल सार में एक्चुअल में
टोटल लगाया जाता है और उसको बैलेंस किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, इसमें टोटल होता है और उसका बैलेंस भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसका सही आंसर। लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है, मेल गार्ड, मेल एजेंट या हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा तैयार नहीं किया जाना, केवल हेड रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा तैयार किया जाना, ये भी गलत है, और केवल कुल जोड़ ये भी गलत है, और ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए स्टेटमेंट नंबर दो, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर नौ, नौ में पूछा गया है कि एक डाकघर या छटाई कार्यालय जो विदेशों में कार्यालय के साथ मेल का आदान प्रदान करता है, किस रूप में जाना जाता है। तो एक डाकघर या छटाई कार्यालय जो विदेशों में कार्यालय के साथ में मेल का आदान प्रदान को देखता है, उसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज का कार्यालय या एक्सचेंज ऑफ ऑफिस, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज यानी कि एक्सचेंज का कार्यालय, यानी कि स्टेटमेंट नंबर तीन यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर दस, दस में कि टर्मिनल द्विस में कौन से आर्टिकल एग्जेम्प्टेड हैं जिनको जिसको नहीं है चुने। एक्चुअल में इसका आंसर ऑथेंटिक सोर्स से नहीं मिला है, इसको फिलहाल के लिए स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर इलेवन, इलेवन में कि डाक गाइड में नाइट पोस्ट ऑफिस को कैसे परिभाषित किया गया, सही को टिक करना है। तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट, जो नाइट पोस्ट ऑफिस की परिभाषा है वो है कि जो नाइट पोस्ट ऑफिस हैं वो छुट्टियों के दिन में खुले रहते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। नाइट पोस्ट ऑफिस के समय को रात 8:30 बजे तक बढ़ाया जा सकता है और रविवार को भी खुले रखते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि स्टेटमेंट दोनों सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो दोनों में से दोनों ही होने चाहिए, यानी कि दो और तीन, यानी कि ऑप्शंस में कुछ भी नहीं दिया हुआ है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 12 में कि आर्टिकल्स को कैसे रिडायरेक्ट किया जाता है। तो आर्टिकल को दो तरीके से रिडायरेक्ट कर सकते हैं, एक डाक आर्टिकल पारगमन में नहीं रोका जा सकता है, और दूसरा है कि मुफ्त पुनः दिशा की कुछ शर्तें होती हैं, यानी कि स्टेटमेंट नंबर दो और तीन दोनों सही हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, 13 में कि यदि उस अवधि के बाद प्रस्तुत किया जाए तो भारतीय डाक आदेश जब्त करने की अवधि क्या है डाक घर गाइड के अनुसार। ये तो प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर इस प्रश्न का मतलब ये है कि हेड ऑफ द सर्कल के द्वारा जो सर्कुलर्स होते हैं, यानी कि परिमंडल प्रमुख के द्वारा, हेड ऑफ द सर्कल के द्वारा अगर कोई सर्कुलर्स जारी किए जाते हैं तो कितने समय बाद डिस्ट्रॉयड किए जाते हैं, तो इनको डिस्ट्रॉयड किया जाता है 3 साल के बाद में, यानी कि अगर ये प्रश्न इस तरीके से है तो इसका आंसर होगा 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में है कि डाकघर निर्धारण के अनुसार पार्सल की पैकिंग किस तरीके से की जाती है। बेसिकली ये है कि स्टेटमेंट नंबर एक में है कि एक पार्सल पैक किया जाता है काफ़ी मजबूत रैपर में, यानी कि जब भी किसी पार्सल को पैक किया जाएगा तो वो मजबूत कवर में ही होना चाहिए, स्टेटमेंट नंबर एक सही है। स्टेटमेंट नंबर दो में कि जीवित मधुमक्खियों को उपयुक्त केज में बंद किया जाना चाहिए, ये भी ठीक है। तीसरे में तरल और पदार्थ जो आसानी से लिक्विफाई करते हैं उन्हें एक ही कंटेनर में भेजा जाना चाहिए, तो स्टेटमेंट नंबर एक दो तीन तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 में कि ब्लैंड लिटरेचर पैकेट्स को छूट दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा। बेसिकली ये है कि BLP को किन किन चीज़ों से छूट मिली है, ये पूछा गया है। तो ब्लैंड लिटरेचर के पैकेट को पंजीकरण शुल्क, पावती के शुल्क, रसीद की सत्यापित प्रति के लिए शुल्क, इन सभी से छूट मिली हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका होना चाहिए एक दो तीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि डाकघर गाइड आर्टिकल के एड्रेसिंग यानी कि पता लिखने के बारे में क्या निर्धारित करता है, यानी कि ये बेसिकली एड्रेस से संबंधित है। एड्रेस जो विदेशों को संबंधित आर्टिकल के मामले में पता रोमन अक्षर में और नंबर रोमन अक्षर में, ये गलत है, क्योंकि जो पता है उसमें रोमन के तो अक्षर होने चाहिए और जो नंबर है वो अरबी लैंग्वेज के होने चाहिए, यानी कि स्टेटमेंट नंबर दो सही है। स्टेटमेंट नंबर तीन में है कि प्रेषक का पता यदि नोट किया जाता है तो अधिमानत पते की ओर दाएं हाथ के कोने पर होना चाहिए, नहीं, जो सेंडर का एड्रेस है वो पते की ओर लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की ओर होना चाहिए, यानी कि स्टेटमेंट नंबर तीन गलत है। स्टेटमेंट नंबर चार में कि डाक की रियायती दरों के हकदार आर्टिकल के पते पक्ष के सीट्स पर उल्लेख किए जाने चाहिए। बेसिकली ये स्टेटमेंट नंबर्स को देखते हैं तो इसमें दो सही है, यानी कि दो सही है, एक और तीन गलत है।
एक और तीन गलत है, तो इसका मतलब हुआ कि बिल्कुल तीन ऑप्शंस को हम लोग इसमें से अलग कर सकते हैं, तो दो और चार सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 17 में है कि पारदर्शी लिफाफे में संलग्न आर्टिकल्स के लिए क्या शर्तें हैं। तो ऑप्शन नंबर एक में है कि पारदर्शी पैनल लिफाफे के सबसे बड़े आयाम के समानांतर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर दो में है कि एक पूरी तरीके से पारदर्शी लिफाफा इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर तीन इसमें नहीं है और इसमें गलत भी पूछा हुआ है, तो स्टेटमेंट नंबर तीन नहीं है, तो इस प्रश्न को फिलहाल के लिए स्किप करते हैं, क्योंकि इसका ऑप्शन ही नहीं है एक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, 18 में है कि किस वस्तु को एयर ट्रांसमिशन नहीं दिया जाता है बिना किसी अतिरिक्त हवाई किराए का भुगतान किए। तो जो ब्लाइंड लिटरेचर के पैकेट्स होते हैं, अगर उनको बाई एयरमेल भेजना है तो उनको हवाई चार्जेस देने होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। उनको एयर ट्रांसमिशन नहीं दिया जाएगा अगर उन्होंने अतिरिक्त हवाई चार्जेस नहीं दिए। तो क्वेश्चन नंबर 19, 19 में कि ऐसे मामले जिनमें बीमा आवश्यक नहीं है, तो सिक्के बुलियन और प्लेटिनम के केस में इंश्योरेंस कंपलसरी है, लेकिन ब्लाइंड लिटरेचर के केस में इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 20 में है कि अपंजीकृत पार्सल के वजन की सीमा क्या है। तो अनरजिस्टर्ड पार्सल है वो अधिकतम 4 किलोग्राम से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, 21 में है कि विदेशी पोस्ट में मुद्रित कागज सेवा अंतर्राष्ट्रीय पोस्ट में बुक पैकेट सर्विस से मेल खाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इस प्रश्न का सही आंसर, कि जो सर्विस प्रिंटेड पेपर की फॉरेन पोस्ट में, ऐसे ही इनलैंड पोस्ट के मामले में ऐसे बुक पैकेट के रूप में जाना जाता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, 22 में है कि डाक से वापस लेने और पते में परिवर्तन विदेशी वस्तुओं के लिए शर्तें हैं। तो बेसिकली इसमें जो गलत स्टेटमेंट है वो छांटना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है कि डाक से वापसी और पता परिवर्तन की अनुमति नहीं है, तो स्टेटमेंट नंबर ए है वही गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी में है कि यदि आर्टिकल पते पर वितरित नहीं किया गया है तो उसकी वापसी की अनुमति है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर दो, ऑप्शन नंबर तीन में है, स्टेटमेंट नंबर तीन में भेजने वाले को लिखित आवेदन प्रस्तुत नहीं करना होगा, ये स्टेटमेंट भी गलत है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर एक और तीन गलत हैं, इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 23 में है कि अकॉर्डिंग टू प्योर गाइड पार्ट टू के अनुसार छोटे पैकेटों की सामान्य भार सीमा क्या है कुछ देशों को छोड़ करके। इस प्रश्न का आंसर अकॉर्डिंग टू प्योर गाइड पार्ट फर्स्ट ये होगा 1 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका होना चाहिए सी, ऑप्शन नंबर एक में है 2 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर दो में है 3 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर तीन में है 1 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। अकॉर्डिंग टू प्योर गाइड पार्ट टू 1 kg होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन जब अपडेट के आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा 2 किलोग्राम, यानी कि अपडेट में करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्योर गाइड पार्ट टू देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 24 में है कि विदेशी पार्सल कवर पर दे डाक। तो इसका तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, इसको भी स्किप करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। 25 में पूछा गया है कि विदेशी पार्सल की आवक होने के बाद में प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एक वेयर हाउसिंग चार्ज लगाया जाता है, तो वो कितने दिन के बाद लगता है, वो 7 दिन के बाद में लगता है, यानी कि 8वें दिन से स्टार्ट हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, 26 में है कि आगे के संचरण के दौरान या गंतव्य के देश में पार्सल पर कुछ शुल्क भी प्राप्त होते हैं, तो इन्हें किस तरीके से एकत्र किया जाता है। तो इन्हें एड्रेसी से, यानी कि प्राप्त करने वाले से एकत्र करते हैं, यानी कि उनसे जो चार्जेस हैं वो लिए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। अगर ये आर्टिकल लौट के जाता है तो ये जो चार्जेस हैं वो सेंडर को देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 27 में है कि जो EPPU है, एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन है, APPU है, वो किस वर्ष में इसको स्थापित किया गया और किस शहर में इसके हेडक्वार्टर्स की स्थापना की गई थी। तो 1961 में मनीला में इसको स्थापित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, 28 में एक आर्टिकल्स जो के पानी के जहाजों में पोस्ट किए जाते हैं उनसे संबंधित जो गलत स्टेटमेंट है वो छांटा है। ऑप्शन नंबर ए में है कि जहाज के बंदरगाह पहुंचने पर स्थित पोस्ट ऑफिस जहाज पर पोस्ट मेल स्वीकार करेगा, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर एक सही है। स्टेटमेंट नंबर दो में है कि भारतीय
बंदरगाहों पर जहाज के प्रवास के दौरान पोस्ट किए गए आर्टिकल्स के लिए भारतीय पोस्टेज की आवश्यकता होगी। स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 में कि खुले समुद्र में पोस्ट किए गए आर्टिकल्स में भारतीय डाक टिकट या उस डाक देश के डाक टिकट हो सकते हैं जिस देश का पोत है। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी तीनों सही हैं, तो इसलिए इस प्रश्न में कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है और फिलहाल इसको भी हम लोग स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि भारत के बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए पत्राचार से संबंधित सही विकल्प कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 में भुगतान किया गया डाक पोस्ट सैन्य कर्मियों की तैनाती के विदेशी देश के लिए निर्धारित दर पर होगा, ये गलत है। इनलैंड पोस्ट की जो रेट्स हैं, इनलैंड पोस्ट की जो रेट्स होती हैं यानी कि जो चार्जेस हमारे यहाँ इंडिया में लगते हैं, जो लोग इंडिया के ही हैं लेकिन बाहर सर्विसेज दे रहे हैं इंडियन आर्म फोर्स में, अगर वो कम्युनिकेट करते हैं इंडिया से बाहर तो उनके जो चार्जेस हैं वो इंडिया वाले ही उनसे लिए जाते हैं, यानी कि आर्टिकल सीधे विदेश में भेजा जाएगा, ये भी गलत है। इसको केयर ऑफ करके फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर सी में कि भुगतान किए गए डाक अंतर्देशीय दौरों पर प्रीपेड होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में है कि ड्यूटीबल गुड्स जहाँ स्वीकार और सभी छोटे पैकेट आर्टिकल्स के मामले में कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ होना चाहिए। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली क्वेश्चन ये है। तो कस्टम डिक्लेरेशन के फॉर्म होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है डाटा सेंटर और डेटा डिजास्टर रिकवरी सेंटर, यानी कि डाटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर क्या है, बेसिकली ये पूछा गया है, तो इस प्रश्न को भी फिलहाल के लिए स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कि एनओसी सेंटर क्या है और से संबंधित सही कथन को चुनाव करना है, इसको भी स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कि फिनेकल किसका हिस्सा है, फिनेकल हिस्सा है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का, यानी कि CBS का हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न का सही आंसर, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 में कि ATM क्या है, तो ATM है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में BI टूल क्या है, फिलहाल इस प्रश्न को भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि डाकघर में RICT का पूर्ण नाम क्या है, तो RICT है उसका पूरा नाम है रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में कि IPVS का पूर्ण नाम क्या है, तो IPVS का पूर्ण नाम है इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम, यानी कि इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी होगा इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में कि जो बार कोड भारत पोस्ट में इस्तेमाल किया जाता है वह होता है, सही विकल्प चाहता है, बेसिकली इसके जो ऑप्शन है वही समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो बार कोड है इंडिया पोस्ट में यूज़ किया जाता है, बेसिकली ये भी एक QR कोड की तरह ही होता है, यानी कि ये आज भी इंडिया पोस्ट में चल रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, डिजिटल फॉर्म है। तो अकॉर्डिंग टू मी इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा ये होना चाहिए कि ये एक कोड होता है, सिर्फ और सिर्फ ये कोड होता है बार कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में एक रियल ट्रांजेक्शन्स क्या है, रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स क्या है, तो रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक्चुअल में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, यानी अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में है कि NSP का विवरण नीचे दिया गया है, सही पर टिक करें, तो NSP 1 के जो प्रोवाइडर हैं वो है BSNL और NSP 2 के जो प्रोवाइडर हैं वो है SIFI, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, 2 का मतलब ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट से संबंधित कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया है, तो गार्जियन जो कि 10 साल से कम उम्र की लड़की के नाम पर एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों के साथ ₹250 की प्रारंभिक जमा के साथ में खाता खोल सकते हैं, स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 में कमी है, 12 साल वाली लड़की की एज है वो 10 साल से कम की होनी चाहिए, और स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है क्योंकि इसमें तिमाही आधार पर ब्याज अर्जित करने की कह रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये जो ब्याज है वो वार्षिक होती है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 और 4 सही है, इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में है इंट्रा ऑपरेबल नेट बैंकिंग के क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो ये सभी लिंक किए गए खातों का लेन देन देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। प्रिंट स्टेटमेंट देख सकते हैं, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 डाकघर बचत खातों के बीच फंड ट्रांसफर, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 4 लिंक RD अकाउंट
एसएससी अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट और एसीएसएस अकाउंट में जमा कर सकते हैं। बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर, स्टेट नंबर 1, 2, 4 सही है। 1, 2, 4 का मतलब होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, 43 में है कि स्वीप इन और स्वीप आउट से संबंधित जो सुविधा है उससे संबंधित सही कथन कौन सा है, ये छाटा है। ऑप्शन नंबर 1 में है कि आईपीबी और पीओ ऐसे लिंक होते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 में है कि 2 लाख रुपए से ऊपर की कोई भी राशि है वो पीओ ऐसे खाते में चली जाएगी, स्वीप इन और स्वीप आउट के समय उनसे कोई भी अतिरिक्त चार्जेस है वो भी नहीं लिए जाते। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर सी में है कि 1 लाख रुपए से ऊपर की जो राशि है, बिल्कुल गलत है। 1 लाख की लिमिट नहीं, ये अब लिमिट 2 लाख की हो चुकी है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है। स्टेटमेंट नंबर 4 में कि ग्राहक के पास में आईपीबी बचत खाते से लिंक करने के लिए पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट है पीओएसए वो एक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है, 1, 2, 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में कि अंतर्देशीय पत्रकार में कौन कौन सी शर्तें संतुष्ट है। ऑप्शन नंबर ए में है कि अधिकतम वजन 5 ग्राम बिल्कुल सही है, अधिकतम वजन 20 ग्राम बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी में कि फोल्डेड कंडीशंस में जो मैक्सिमम डायमेंशन है वो 30 सेंटीमीटर × 21 सेंटीमीटर बिल्कुल सही है। फोल्डेड कंडीशंस में है कि अधिकतम 21 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर ये भी सही है। यानी कि स्टेटमेंट नंबर इसमें दो, स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, यानी कि 1, 3, 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 में कि प्रत्यक्ष पोस्ट के मामले में सेवा का लाभ उठाने वाली क्या शर्तें हैं, सही विकल्प छांटा है। तो डायरेक्ट पोस्ट के संदर्भ में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि भारतीय डाकर अधिनियम के अंतर्गत संबोधित जो डाक है ऐसे जो आर्टिकल्स हैं वो प्रोहिबिटेड नहीं है, निषिद्ध नहीं है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही, स्टेटमेंट नंबर 2 सही है, 1 या 2 पत्रों की न्यूनतम मात्रा स्वीकार की जा सकती है। स्टेटमेंट नंबर 3 भी बिल्कुल सही है कि डायरेक्ट पोस्ट में पोस्ट किए गए आर्टिकल्स के संचार पर कोई नाम या पता नहीं होगा, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 4 सही है कि अन्य कस्बों को भी भेजा जा सकता है, यानी कि सभी सही है। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया स्पीड पोस्ट में डैमेज के लिए क्या मुआवजा है। स्पीड पोस्ट अगर डैमेज हो जाती है तो उस केस में जो स्पीड पोस्ट के चार्जेस हैं या तो वो दोगुने दिए जाएंगे या फिर 1000 रुपये इंडिया रुपीज़ में दिए जाते हैं, जो भी कम होगा वो पोस्ट ऑफिस देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 में कि लॉजिस्टिक पोस्ट में निम्नलिखित सुविधा नहीं है। तो लॉजिस्टिक पोस्ट में FTL और LTL की सुविधा है, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी है, लेकिन COD फैसिलिटी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया कौन सी पीएलआई पॉलिसी ऐसा नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से पीएलआई जो पॉलिसी है उसके तहत कौन सी पॉलिसी नहीं दी जाती है। तो पीएलआई में टोटल 6 प्रकार की पॉलिसीज दी जाती हैं, लेकिन सुरक्षा सुविधा और संतोष पॉलिसी पीएलआई में दी जाती है, लेकिन सरल नाम की कोई भी पॉलिसी पीएलआई के अंतर्गत नहीं दी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कि ग्रामीण डाक जीवन बीमा RPLI के मामले में से कौन जैसे एक एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी है, यानी कि RPLI के केस में जो EA पॉलिसी है उसका दूसरा नाम क्या है, ये पूछा गया है। तो उसका दूसरा नाम है वह ग्राम संतोष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि PLI लैप्स होती है, सही विकल्प पर टिक करें। PLI पॉलिसी कब लैप्स होती है, तो PLI पॉलिसी लैप्स होगी अगर यदि 12 से अधिक प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया और 3 साल से अधिक की अवधि पॉलिसी हो चुकी है, यानी कि बेसिकली ये है कि अगर कोई पॉलिसी जिसको 3 साल से ज़्यादा हो चुकी है और उसके जो 12 प्रीमियम्स अगर पेड नहीं किए हैं तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। अगर वहीं अगर कोई पॉलिसी 3 साल से कम चली हुई है उसके 6 प्रीमियम अगर पेड नहीं करते हैं तो वो भी लैप्स हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इस प्रश्न का सही आंसर। नेक्स्ट, इसी के साथ में हम लोगों ने डिपार्टमेंटल के जो 50 क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लिया है, और जो कुछ क्वेश्चंस अभी स्किप किए हैं उनका अगर इंग्लिश वर्जन मिलता है तो उनको भी हम लोग आंसर उनके कर देंगे। और इसी नोट पर इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड, ये है इस वीडियो का। धन्यवाद।